बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेजबान मदीहा आबिद अली। नाजीन, आज जुम्मे का रोज है और रेलवे की टिकटों में जो इजाफा किया गया है उसका इतलाक आज से हो चुका है। अब वो हजरात खवातीनों हजरात जो ट्रेन में सफर करते हैं उनके लिए बुरी खबर ये है कि मौजूदा हुकूमत के जो वजीर हैं, वजीर बराए रेलवे शेख रशीद साहब, उन्होंने ऐलान किया है कि ट्रेनों के किरायों में 19% तक इजाफा कर दिया गया है। आज की टॉप स्टोरी रेलवे के नाम, हम कंपैरिजन करेंगे सबका हुकूमत की खादा सादर फिक के जेर इंतजाम रेलवे सिस्टम कैसा चलता था और अब जब हुकूमत तब्दील हो चुकी है और रेलवे के मिनिस्टर भी तब्दील हो चुके हैं और शेख रशीद साहब ने इसकी कमान संभाल ली है तो रेलवे का जो इंतजाम है वो कैसा चल रहा है। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करवाते हैं, मुसाफिरों से बात करते हैं, यूनियन से बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कि रेलवे का इंतजाम जो है वो चल कैसा रहा है। रेलवे स्टेशन पे हम एंटर हो चुके हैं और यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जिसके लिए मुसाफिरों से माजरत की गई है और कहा गया है कि आप मुतबादिल रास्ता जो है वो अपनाएं। मुतबादिल रास्ता अपनाने के लिए जो पीछे आप स्टेयर्स देख रहे हैं, यहाँ से बुजुर्ग भी जाएंगे, यहाँ से खवातीन हजरात बच्चे सब जाएंगे, लेकिन यहाँ से अनफॉर्चुनेटली माजूर भी जा रहे हैं। तो ये एक शहरी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम जी। आपको भी मुतबादिल रास्ता यही दिया गया? ये दिया। कितनी मुश्किल होगी क्योंकि आपके पास मैं देख रही हूँ कि जरा कैमरामैन जूम इन करके दिखाएं किस तरह से, ये तो आपके लिए तो लिफ्ट होनी चाहिए, चेयर या तो व्हील चेयर होनी चाहिए। जी जी, हम लोग माजरों खास खुसूसी अफराद के लिए कुछ सहूलत होनी चाहिए। बहुत तकलीफ हो रही है मुझे बहुत, क्योंकि मेरा सामान कुली ले गया कुछ, अभी मैं अभी तक उसके पीछे जा रहा हूँ अभी भाई। अच्छा, ये बताइए कि जो किराए में इजाफा हुआ उसके बारे में मालूम है आपको? जी हाँ, किराए में इजाफा हुआ है कुछ। कितना मुश्किल है किराया ज्यादा हो जाना और फिर शहरियों की आमदन उतनी ना होना, कैसे बैलेंस करते हैं? बस हम तो मुश्किल से गुजारा कर पा रहे हैं, वैसे पहले से मुश्किल गुजारा हो रहा था, महंगाई बहुत थी, अब और थोड़ी महंगाई। जाना कहाँ है आपने? कोयटा। कोयटा जाना है और किराया कितना दिया आपने एक टिकट? हम लोग कोयटा वालों का 1000 है जी। 1000 पर पर्सन। पहले कितना था? पहले थोड़ा सा कम था, 100, अभी 100 बढ़ गया शायद। मतलब हुकूमत तब्दील होने के बाद किरायों में भी इजाफा हुआ जी। अच्छा, शेख रशीद साहब के जेर इंतजाम रेलवे और ख्वाजा साद रफीक साहब के जेर इंतजाम रेलवे, दोनों में क्या फर्क था? अभी तो नई हुकूमत है, फिर भी देखते हैं कि आगे क्या करते हैं। अच्छा। मगर कोशिश कर रहे हैं, मगर वो थोड़ा उस वक्त दौर सस्ता था थोड़ा कुछ। ख्वाजा साद रफीक साहब की तारीफ कर रहे हैं, चलिए ठीक है, और भी लोगों से हम बात करते हैं। नाजिन, हम किराए के हवाले से भी बात करेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा मंजर दिखा दूं, ये रेलवे स्टेशन के अंदरूनी मनाजिर हैं और यहाँ पर जो लोग हैं ये कोई मजदूर नहीं है, ये शहरी हैं और ये कोई कंस्ट्रक्शन साइट नहीं है, ये रेलवे स्टेशन है। आप देख सकते हैं कि लोग जो मुसाफिर हैं दूर दराज के इलाकों से जाएंगे और शहर लाहौर किसी न किसी काम से आए थे, उनको आप देख सकते हैं बजरियों पर बैठे हैं, रेत पे बैठे हैं और बैठने का यहाँ पर कोई सिस्टम है ही नहीं। खवातीन से या फिर हम यहाँ पर जो शहरी उनसे बात करने का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए? लाहौर से। लाहौर से ही हैं। तो रेलवे स्टेशन कैसा लग रहा है, बजरी पर बैठे हैं? बिल्कुल कुछ नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है किसी किस्म का, ना बैठने का, ना लेडीज के लिए, ना वॉशरूम वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और स्मेल बहुत ज्यादा है, बदबू ज्यादा यहाँ पे, बहुत ज्यादा स्मेल है। कितने मरतबा आते हैं साल में, कहाँ जा रहे हैं? हम खाने वाले तकरीबन 12-15 मरतबा जानते हैं, यही हाल है इसका। अच्छा, तो टिकट के हवाले से आज जुम्मा है और नए जो रेट है उनका इतलाक हो चुका है, टिकटों के जो कीमत है उसमें इजाफा हो। आपने कहा कि आप खाने वाले जाते हैं साल में 13 से 14 मरतबा, तो पहले क्या रेट था टिकट का और अब क्या है? पहले था 400 कुछ रुपए, तो अब मेरा ख्याल 500 कुछ कर दिया, 600 600 हो गया इसका। अच्छा, तो ये बताइए, पहले ख्वाजा साद रफीक साहब वजीर रेलवे थे और अब शेख रशीद साहब हैं, तो तब्दीली आनी चाहिए थी, रेट नीचे जाना चाहिए था लेकिन रेट ऊपर चला गया। बहुत ज्यादा मतलब हाई हो गया और बाकी यहाँ कोई सेटअप नहीं है तो उनका ज्यादा बेहतर था नोने का। आप भी ख्वाजा साद रफीक साहब के हक में? जी, उन्हीं के साथ। ठीक है, अच्छा शेख रशीद साहब को कोई मैसेज देंगी? बस वो जितना कहते हैं जी हम तब्दीली लाएंगे, ये वो तो बातें कम करें, फोकस ज्यादा करें। बहुत अच्छा, तो समझेंगे हमें क्या उनके लिए फैसिलिटीज देनी चाहिए। ठीक है, एक और मुसाफिर है जो की जमीन पर बैठे हैं, बजरी के ऊपर बैठे हैं, आपसे बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जाना कहाँ है आपने? मुल्तान। और आप, मुझे अफसोस हो रहा है कि आप शहरी हैं और आपको बेंच नहीं मिला, आप बजरी के ऊपर बैठ गए। बस जी, ये समझो हुकूमत तब्दीली नहीं लाई, बस हम इनसे वोट भी इन्हीं को दिए, तंग भी इन्हीं से आ गए। आप तो टिकट आपके पास है? हाँ जी, किराया
कराची एक्सप्रेस की है, और जरा बताएं मुझे पहले कितने की लेते थे कराची एक्सप्रेस की टिकट और अब कितने की ली? पहले लेते थे 450 की, आप लिए ये देखें ये है 630 रुपए की आप लिए, महंगी हो गई। हाँ जी हाँ जी। आप मुझे बताएं पहले जो रेलवे था ख्वाजा साद रफीक साहब के जेर इंतजाम था और अब शेख रशीद साहब के जेर इंतजाम है, वजीर बन चुके हैं, दोनों का कंपेयर करें, आप मुवाजना करें दोनों का। लेकिन शेख रशीद साहब ने वो चीज़ नहीं दी जो ख्वाजा साद रफीक ने दी है, लेकिन हमने वोट फिर भी पीटीआई को दिया था, लेकिन वो चीज़ नहीं है। हाँ, आपने वोट पीटीआई को? वोट पीटीआई को दिए थे, लेकिन वो चीज नहीं है जो होनी चाहिए थी। जैसे इन्होंने कहा था तब्दीली आएगी, वो तब्दीली नहीं आई। ठीक है, लेकिन आइए देखें नाजिन बजरी में बैठे हैं छोटे छोटे बच्चे, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से बैठे हैं। बजरी है उनका सामान है और कितने डिसेंट बच्चे हैं, डिसेंट फैमिली है ये, और बजरी के ऊपर बैठे हैं। आगे चलेंगे और फैमिली है जो कि बजरी के ऊपर बैठी है, कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर जो सामान है उस पर ये बैठने पर मजबूर है। अस्सलाम वालेकुम, उधर आती हूँ आपकी जानिब आती हूँ मैं जरा। आप कैसी हैं? ठीक है। कहाँ जा रही हैं? हम कराची जा रहे हैं। और टिकट ले ली आपने? जी। अच्छा, पहले टिकट सस्ती थी, आज से टिकट महंगी हो गई? हाँ, बहुत महंगी होगी, बहुत मसला हो रहा है हमारे साथ, इसलिए क्या करें, गरीब आवाम कहाँ जाएगी। ठीक है। अच्छा, कितना सफर है, टिकट दिखाएंगी, कितने की ली थी अभी आपने? टिकट जो कभी करवा दो, आपको मालूम है प्राइस कितने चले, वो टिकट निकाल रहे हैं, इनकी टिकट भी देख लेते हैं। ये टिकट आ गई है जनाब इनकी। अस्सलाम वालेकुम अंकल, आपको भी। अच्छा, टिकट का किराया मुझे बताइएगा, पहले कितने की लेते थे आप कितने की ली? अब पहले हमने कराया था 21 बार। अच्छा। मेरे को 42,000 रुपए के आए थे। अभी सादी टिकट लेने के लिए मैं बुकिंग पे आधा घंटा खड़ा रहा हूँ, जब बुकिंग पे मेरा नंबर आया तो उन्होंने बोला 1742 रुपए की है कराची की, खाली टिकट, कोई बुकिंग नहीं, कोई सीट नहीं, कोई बर्थ नहीं। अच्छा, यानी आपको सीट नंबर नहीं मिला, सिर्फ टिकट मिली। अब आप ऐसे करेंगे किसी भी डब्बे पे चढ़ेंगे और किसी भी सीट पे बैठ जाएंगे, उसका एक और दावेदार भी आ सकता है? आ सकते हैं, मेरे को ऐसा लगा हमारी तो सीट है ही नहीं है ना, हमारी जो बुकिंग है वही है बस। अच्छा, सफाई की सूरत हाल के हवाले से बताइए, अब हुकूमत तब्दील हो चुकी, वजीर रेलवे तब्दील हो चुके, तो कैसा लगता है? अब हमें ये बताया कि ये कोई इंतजामिया है यहाँ की, कैसे तब्दीली आ गई, काहे की तब्दीली आ गई है, ये तो पहले बताओ। ये पत्थरों के ऊपर लोग बैठे हुए हैं, ये सामान रखा हुआ है, लावारसों की तरह बैठे हुए हैं, ना कोई आगे जोगा, ना कोई पीछे जोगा, ना कोई पूछने वाला। पुलिस वाले आएंगे, वो झाकेंगे, यूं करेंगे, बहू बेटियों को देखेंगे, वो काय की तब्दीली आ गई है। वोट किसको दिया था? वोट हमने इमरान खान को दिया था। आपने भी इमरान खान साहब को वोट? जी। अच्छा, दो मुसाफिर ऐसे जिन्होंने इमरान खान साहब को वोट दिया था, अब जरा मुवाजना कर दीजिए शेख रशीद साहब के जेर इंतजाम रेलवे और ख्वाजा साद रफीक साहब के जेर इंतजाम रेलवे का। रेलवे का कोई इंतजामिया नहीं है, रास्ते में भी कोई इंतजामिया नहीं है, बोगियां दिन ब दिन टूटती जा रही हैं, कुछ सही भी है ही नहीं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, जो मुसाफिर हैं उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो अभी हम जारी रखेंगे। यहाँ पे दो खवातीन हैं, आपसे बात करने की इजाज़त चाहिए मुझे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ जा रहे हैं? कराची। कराची। अच्छा, टिकट्स के जो कीमतें हैं उनमें इजाफा हो गया आपको, आपने ले ली टिकट? टिकट जी हाँ ले ली, लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि इजाफा हो गया, मेरे हस्बैंड ने लिए टिकट जी। तो ये इंतजाम कैसा लग रहा है रेलवे का? अभी तो पता नहीं हमें कि हम अब जा रहे हैं, पता चलेगा। पानी पीने का यहाँ में मैसर है? जब हम आए थे जब तो बहुत सहूलत थी हमें, और अभी नहीं मालूम, आप जाएंगे तो पता चलेगा ट्रेन में। अच्छा। जी कैसा है? बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, ये सूरत हाल है, लोग किस तरह से बैठे हैं और यहाँ पे बदबू बहुत ज्यादा है। अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं कराची जा रहा हूँ। टिकट ले ली? टिकट ले ली। दिखाएंगे जरा, और किराए का भी मुवाजना कर दीजिए, पहले कितने की ली थी कराची की टिकट और अब कितने की ली? आपका तो मुझे पता नहीं है, पहले मैंने 1572 रुपए की ली है। अच्छा। आपका किराया पता नहीं कितना बढ़ गया, कह तो रहे हैं कुछ किराए बढ़े हैं। ठीक है। तो अच्छा, निज़ाम में शेख साहब के जेर निज़ाम अब रेलवे है, तो इस निज़ाम में तब्दीली होनी चाहिए, तब्दीली आई? तब्दीली तो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त आई है, ऐसी आई है सिर्फ गरीबों पर आई है, अमीरों पर नहीं। वोट किसको दिया था? वोट मेरा पीपल पार्टी का है। पीपल पार्टी का? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो अब आप तब्दीली बिल्कुल नहीं देख रहे? मैं चाहते हैं कि ऐसी तब्दीली होनी चाहिए, तब्दीली कम से कम गरीब को तो थोड़ी सी वो रिलैक्स मिले ना, गरीब को तो बिल्कुल रिलैक्स मिली नहीं मिला, सिर्फ अमीरों के लिए रिलैक्स है। सही है। तो कम से कम गरीबों का कुछ सोचा जाए, वो गरीबों को तो और नीचे जमीन में धसे जा रहे हैं। ये गरीब हैं जो शहरी हैं, उनकी राय है तब्दीली के हवाले से। एक और मुसाफिर हैं, जरा इनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपने टिकट जो है हाथ में थाम रखा है, बताइएगा कि कितने की टिकट ली, पहले कितने की लिया करते थे? मैंने तो इससे पहले ली है, लेकिन अगर किरायों में इन्होंने इजाफा किया है तो ये सही नहीं है। अच्छा। हाँ, इनको नहीं बढ़ाने चाहिए थे, गरीब आवाम पे जो है ज्यादा लोड नहीं डालना चाहिए था। खासतौर पर मैं शेख रशीद अहमद को कहूँगा, शेख साहब वैसे नहीं करें,
سمجھے نا، خواہ مخواہ زیادہ اضافہ دکھانا ہے تو اپنی کارکردگی اچھا دکھائیں، غریب عوام پہ بوجھ ڈال کے جو ہے کہتے ہیں ڈالر مہنگا ہو گیا اس لیے ہم نے جو ریٹس ہیں ان میں اضافہ کر دیا. تو ڈالر مہنگا ہونے سے تیل تو سستا ہو گیا ہے، تو اس کو تو ہمارے کرایہ نہیں بڑھانے چاہیے، غریب عوام کے اوپر لوڈ نہیں ڈالنا. ٹھیک ہے، اور بھی لوگ ہیں ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں جا رہے ہیں سر؟ سہیوال. اور ٹکٹ لے لی؟ ٹکٹ لینی ہے، ابھی کرایے بہت کر دیے ہیں، ابھی آئے ہیں، 750 روپے لیے انہوں نے لوور اے سی کا. تو یہ تو غریبوں کو لے شیپ صاحب کہتے ہیں تبدیلی آئے گی، پی ٹی آئی کہتی ہے تبدیلی آئے گی، تو یہ تبدیلی آ گئی؟ یہ کون سی تبدیلی ہے؟ غریبوں کو لوٹا جا رہا ہے، غریب آدمی تو پیسا جا رہا ہے. تبدیلی تو ان کے لیے آئی ہیں جو ان سے حکمران بیٹھے ہیں. سال میں کتنے مرتبہ ریلوے سے سفر کرتے ہیں آپ؟ جمعے آتے ہیں. ہر جمعے جاتے ہیں؟ مال لینے آتے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. یعنی آپ ریگولر یوزر ہیں. اچھا یہ مجھے بتائیے کہ پہلے ابھی سے 100 دن پہلے ریلوے کا جو انتظام تھا خالد اسعد رفیق صاحب کے پاس تھا، اور اب شیخ رشید صاحب کے پاس ہے، موازنہ کریں دونوں کا. وہ اچھا تھا، اس میں تو اب صفائی بھی نہیں ہے، گند کتنی ہے، نہ کوئی پوچھتی ہے. جو خواجہ صاحب کے دور میں تھا نا وہ بہتر تھا. اچھا. شیخ رشید صاحب کو میسج دے دیں، پیغام دے دیں کچھ. شیخ صاحب بہت اچھے لیڈر ہیں مگر ریلوے کا نظام نہیں اچھا. میں ویسے ان کو لائک کرتا ہوں. ووٹ کس کو دیا تھا؟ پی ٹی آئی کو دیا تھا مگر نظام نہیں اچھا. یہ بچے دیکھیں، انہوں نے بھی جانا ہے. بیٹا آپ نے کہاں جانا ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ کراچی. کراچی جا رہے ہیں؟ یہ چھوٹے سے بچے ہیں اور یہ معصوم ہیں، بچری پر بیٹھے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں خواتین بھی ہیں یہاں پر. السلام علیکم، کوئی بات کرنا چاہے گا؟ السلام علیکم. السلام علیکم. کہاں جا رہی ہیں آپ؟ ہم نوابشاہ جا رہے ہیں. اور میں دیکھ رہی ہوں کنٹینیوسلی مسلسل کھڑے ہیں کیونکہ یہاں بینچ نہیں ہے. ایسے ہی ہے. تو آپ نے ٹکٹس لے لی؟ ہاں جی. مہنگی ہو گئی ٹکٹس؟ ہاں، رینٹس بہت زیادہ بڑھ گئے. اچھا، آپ نئے پاکستان میں تبدیلی کیسی دیکھ رہے ہیں ریلوے کی؟ ریلوے کی تبدیلی کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں، میں دراصل فرسٹ ٹائم ہی جا رہی ہوں. ہاں، مجھے اتنا ہاؤلو نہیں ہے. پتا نہیں ہے آپ کو. ووٹ کس کو دیا تھا آپ نے؟ میں نے تو نون لیگ کو ہی دیا تھا. چلے ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ سے بات کرنے کے لیے. چند مزید مسافر ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. آپ پہلی مرتبہ آئے، دوسری مرتبہ آئے، کب کب آتے ہیں؟ ریلوے کا اسٹیشن اور ٹرین کا سفر کب کب کرتے ہیں؟ پہلی دفعہ ہم جا رہے ہیں، اتنا کرایہ بلا دیا انہوں نے، بہت زیادہ کرایہ انہوں نے. کیسا لگا آپ کو پہلی مرتبہ ریلوے اسٹیشن؟ اچھا نہیں لگ رہا. آپ کون سے اسٹیشن پہ اتریں گے؟ ہم حیدرآباد. حیدرآباد جائیں گے. تو کتنے کا ٹکٹ کتنے کا ملا؟ یہ 4500 کا دیا انہوں نے. اور پہلے کتنے کا ملا کرتا تھا؟ 2500 کا. تو یہ تو تبدیلی بہت بڑی ہے. بہت اچھی. کیسی لگ رہی ہے تبدیلی؟ بہت اچھی نہیں لگ رہی ہے. تو کوئی پیغام دے دیں شیخ رشید صاحب کو. بس اچھا ہے، ان کا کرایہ کام کرنا چاہیے. بس باقی سہولت ہونی چاہیے، سواریاں کھڑی ہو کے جاتی ہیں اور ذلیل ہوتی ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر ٹکٹ کے ریٹس میں اضافہ ہوا ہے تو سہولیات میں بھی اضافہ ہونا چاہیے تھا. کچھ سہولیات میں بھی اضافہ ہوا؟ سہولیات میں یہ اضافہ ہوا کہ اسمیل بہت زیادہ آتی ہے، ابھی پہلے نہیں آتی تھی، پہلے سے زیادہ خراب ہے کام، تو اس لیے کرایہ بڑھا دیے ہیں، لیکن اس میں کنٹرول صفائی کا نہیں کیا ہے. صفائی نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک اور فیملی ہے جو کہ یہاں پر کھڑی ہے، کوئی بیٹھنے کے لیے ان کے پاس جگہ نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کراچی. کراچی. اور کتنی مرتبہ سال میں ٹرین کا سفر کرتے ہیں؟ تقریباً سال میں 4-5 مرتبہ ہو جاتی ہے. اور پہلے ٹکٹ کتنے کی لیا کرتے تھے کراچی کی، اور اب کتنے کی لیے ہے؟ میں نے جو ہے 1570 روپے کی لی ہے. اور پہلے؟ پہلے 1400 کی تھی. مہنگی ہو گئی؟ ہاں مہنگی ہو. کیسا لگ رہا ہے نیا پاکستان شیخ رشید؟ شیخ رشید ستیہ ناش کر دیا، اور کیا ہوگا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. پانی مل رہا ہے آپ کو؟ کہاں پانی مل رہا ہے، بینچ ملتے ہیں بیٹھنے کے لیے؟ کھڑے ہوئے بھائی، بینچ کہاں ہے؟ خواتین کے لیے پرائیویسی کچھ بھی نہیں. سیٹس کی بکنگ ہوئی آپ کی؟ ہاں بکنگ ہو چکی. نہیں سیٹ ملی ہے، ٹکٹ تو آپ نے لے لی؟ برتھ کروایا. برتھ مل رہی ہے، ٹھیک ہے. بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے ماں جی یہاں پر؟ کھڑے رہیں گے جب تک ٹرین نہیں آئے گی. واش روم کی سہولت ہے؟ پانی مل رہا ہے یہاں پر پینے کے لیے کہیں پہ آپ نے دیکھا ہو؟ نہیں. بینچز کیسا؟ ریلوے اسٹیشن لاہور کا کیسا لگا آپ کو؟ صحیح لگا. بہت پیارا ہے جی، ایسے ہی ہونا چاہیے تھا جی. اس لیے اچھا بجری اچھی لگ رہی ہے آپ کو پڑی ہوئی؟ نو، نہیں اچھی لگی. چلے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. ناظرین، یہ ہم نے اس سیگمنٹ میں بات کی ہے کچھ مسافروں سے، اور بیشتر مسافر ایسے ہمیں ملے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا. وہ تبدیلی کے منتظر تھے لیکن انہیں تبدیلی نظر نہیں آئی. تبدیلی اس سینس میں نظر آئی کہ ٹکٹوں میں اضافہ کر دیا گیا، قیمتوں میں اضافہ ہو گیا. ریلوے کی جو یہ پلیٹ فارم ہمیں نظر آ رہا ہے، یہاں پر صورتحال اور ابتر ہو گئی. اتنی گندگی ہے یہاں پر، کھڑا ہونا جو ہے وہ محال ہے، اور بدبو ہے بہت زیادہ یہاں پر. اور ناظرین، جو
ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ اس حوالے سے کر رہے ہیں کہ جو تبدیلی سرکار تھی جنہوں نے تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا اور شیخ رشید صاحب جو کہ ایک بہت ہی منجے ہوئے سیاستدان ہیں وہ ریلوے کو کس طرح سے ہینڈل کر رہے ہیں اور عوام کا فیڈ بیک شیخ رشید صاحب کے لیے کیا ہے یہ آج کی ٹاپ سٹوری ہے. ناظرین یہاں پہ چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے, آپ کہیں مت جائیے, ہمارے ساتھ رہیے.